हेलो पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि। नमस्ते, मैं सुरेश कौर स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम ये 10 नवंबर से 17 नवंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग करेंगे, जो जो हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशन सबके लिए होगी। और इसका लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे कि यूनिवर्स इसकी गाइडेंस क्या बता रहे हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, आप जानते हैं, तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज एक्सेप्ट कीजिए, बाकी फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए पास कीजिए। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं 10 नवंबर से 17 नवंबर तक आपके दिन कैसे रहने वाले हैं पाइसिस। तो यूनिवर्स गाइड में प्लीज, ये आपके हेल्थ के लिए, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस और सिंगल्स रिलेशनशिप, एंड जो हमारा लास्ट कार्ड आता है वो गाइडेंस के लिए आता है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स इसमें क्या बता रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये कार्ड आपका हेल्थ के लिए आया है पाइसिस। तो है, आप हेल्थ वाइज ठीक दिख रहे हैं, सही दिख रहे हैं। और ये कार्ड जो है रूट चक्रा से रिलेटेड है। अगर जो लोग बीमार हैं तो उन या आप लोग अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो रूट चक्रा से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको स्पाइन पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, जो पैरों में दर्द हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है। तो आपको स्वस्थ रहने के लिए अपने इन चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप इन पर ध्यान देते हैं, घूमते फिरते हैं, समय पर दवाइयाँ लेते हैं, तो आप अपने हेल्थ को काफ़ी अच्छा रख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। फिलहाल के लिए एनर्जी बता रही है कि आप ठीक लग रहे हैं, लेकिन जो लोग बीमार हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, अपने रूट चक्रा को मजबूत कर लेते हैं जैसे, तो आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं। और अगर आप अपने ध्यान नहीं देते तो आपको इन जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे बैक पेन हो सकता है, स्पाइन में पेन हो सकता है, आपके मसल्स में पेन हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे भी ही मौसम भी बदल रहा है, तो ऐसे भी मौसम के साथ साथ आपको शरीर पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, बढ़िया रख सकते हैं। आपने कुछ लोगों ने पास्ट में काफ़ी बीमार रहे हैं, बहुत कोशिश करने के बाद धीरे धीरे करके वो इम्प्रूव कर रहे हैं। और अगर आप और ध्यान देंगे, अच्छे से ध्यान देंगे, तो आप अपने हेल्थ को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। वेल्थ, कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइसिस, लग रहा है कि इन दिनों एनर्जी आपके फेवर में है। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, या तो बहुत नियरेस्ट फ्यूचर पास्ट में आपको मिली है, तो जिसको आप सेलिब्रेशन के मूड में करना चाहते हैं। हो सकता है कि फाइनेंस में आपको अच्छा रिटर्न मिला हो, या तो मिलने वाला है, या ग्रोथ किसी ना किसी तरह से, चाहे वो जॉब से लेकर है, या फाइनेंस से लेकर है, या बिजनेस से लेकर है, तो वेल्थ के प्रति आपको कुछ ना कुछ अच्छी नई अपॉर्चुनिटी या तो मिल चुकी है, या तो बहुत जल्दी मिलने वाली है, ऐसा यूनिवर्स जी बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि एनर्जी आपके फेवर में दिखाई दे रही है। आप सेलिब्रेशन के मूड में दिखाई दे रहे हैं, आप जल्दी ही से कोई ना कोई सेलिब्रेशन की न्यूज़ आपको मिलेगी। और आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या आपने लव के साथ, प्यार के साथ आप सेलिब्रेट इसको करते दिखाई देंगे। तो आपको कोई ना कोई प्यार मोहब्बत से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ भी मिल सकती है, या जॉब से रिलेटेड, मतलब किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, जिसका आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। तो
तो वेल्थ वाइज आप काफ़ी इम्प्रूव करेंगे और काफ़ी इसमें सक्सेस भी होंगे, तो आप काफ़ी ग्रोथ इसमें करते हैं नज़र आ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए है, तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है, जो रास्ता आपको मिल रहा है, शायद आप उस पर जाना नहीं चाह रहे, उसको गवा रहे हैं। और जो अपॉर्चुनिटी आपकी ऑलरेडी जा चुकी है, जो आपने नहीं एक्सेप्ट की थी, उसको लेकर आप पछता रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं दुख हो रहा है कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी को क्यों ख़त्म किया, क्यों गवाई, मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। लेकिन जो समय चला गया, जो बीत गया, अब उस पर हाथ मलने से कोई फायदा नहीं। आप जो अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है, जो यूनिवर्सिटी आपको रास्ता दिखा रहे हैं, तो अपनी दुविधा को छोड़िए, अपनी परेशानी को छोड़िए, अपनी टेंशन को छोड़िए और उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर एफर्ट लगाइए, मेहनत कीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आप पहले वाली मंजिल पर पहुंच सकते हैं। आप अपनी जहां आप पहुंचना चाहते हैं, तो आप अपने सक्सेस इसमें पा सकते हैं, रिजल्ट पा सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन आप अपनी मंजिल जरूर हासिल करेंगे। अगर आप समय रहते आई हुई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं और इसमें मेहनत और एफर्ट लगाते हैं, तो समय व्यर्थ मत गवाइए। जो समय बीत गया, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलिए। जो दिमाग में आपने कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है, जो परेशानी में आप दिखाई दे रहे हैं, उससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है। एस ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये जॉब के लिए आया है। अगर आप किसी जॉब की तलाश कर रहे थे, या तो आप रैंक का वेट कर रहे थे, या तरक्की का वेट कर रहे थे, तो हो सकता है कि पास्ट में आपने काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी परेशानियों का सामना किया हो। लेकिन फिलहाल जो एनर्जी बन रही है, वो आपके फेवर में बन रही है, काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप समय रहते इसको एक्सेप्ट करते हैं और एक्शन लेते हैं, इसमें एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, नई बिगनिंग, नई शुरुआत करते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटी आपको आपके हाथ लग रही है या लगने वाली है, और इसमें अच्छी बिगनिंग होगी, अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, उनको हो सकता है कि अच्छा उनको रैंक में तरक्की हो और अच्छी पोजीशन पर वो लोग पहुंच जाएं, जो जॉब करना चाह रहे थे उनको जॉब मिल जाए। और इसमें काफ़ी अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं, इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, सक्सेस दिखाई दे रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ समय रहते इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, तो इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आपके फेवर में आते नज़र आ रहे हैं। जजमेंट, तो ये बिजनेस के लिए है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पाइसिस, आप का बिजनेस डूब गया हो, पास्ट में डूब गया हो, किसी किसी व्यक्ति के कारण जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे थे, उसने आपको धोखा दिया हो या आपने उसके साथ धोखा दिया हो। कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा आपके बीच में हुआ है, कोई दूरियां इसमें आई हैं, सेपरेशन इसमें हुआ है। तो अगर आप दोबारा से इसमें ग्रोथ पाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को अच्छा बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये गिव एंड टेक का कार्ड है, या कह सकते हैं कि माफी मांगने का और माफ कर देने का कार्ड है। अगर आप सरेंडर वे में, बिना नोक झोंक किए, बिना बातों में से बात निकाले, इसको एक्सेप्ट करते हैं और सरेंडर वे में अगर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, पैसा लगाते हैं, किसी का साथ पाते हैं, तो आप काफी अपने आप को मजबूत पा सकते हैं, काफी तरक्की कर सकते हैं, काफी ग्रोथ पा सकते हैं। तो आपको इसमें माफ करने की जरूरत है और माफी मांगने की जरूरत है। सामने वाले को माफ कीजिए, जिस हो सकता है जिससे गलतियां हुई थी, अगर आप उसको माफ कर देते हैं, या जो आपने गलतियां की थी, तो आप सामने वाले से अगर माफी मांगते हैं और मिलजुल कर फिर से आप काम करते हैं, तो आप
यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, फिर से आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स तो ये स्टूडेंट्स के लिए आया है, तो अभी के लिए आपको ये रिश्ता आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी अभी के लिए ये रुका हुआ है, इस पर स्टॉप लगा हुआ है, तो अभी के लिए आप रुक जाइए, थोड़ा सा जानिए पहचानिए, उसके बारे में जांच पड़ताल कीजिए, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अभी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो अभी के लिए आप रुकिए, ठहरिए, वेट कीजिए, और इसमें कोई ना कोई जो आपको रिश्ता मिल रहा है, जो आपका प्यार है, जो मोहब्बत है, उसके बारे में जांच पड़ताल कीजिए। अच्छे से जांच पड़ताल करके ही आप इसमें नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर कीजिए, धीरे धीरे करके आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं, आप अपने प्यार को पाने में कामयाब हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स तो ये रिलेशनशिप के लिए है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं या बंध चुके हैं, तो अगर आप शादीशुदा हैं, शादी के बंधन में बंध चुके हैं, तो हो सकता है कि आपके घर में एक नया बच्चा भी आ सकता है, नई खुशखबरी आपको मिल सकती है, नहीं तो आप शादी के बंधन में जा सकते हैं, आपको इससे काफ़ी खुशी मिलेगी। बचपना छोड़कर अगर प्यार मोहब्बत के साथ आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं, उसको शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं, तो नई बिगनिंग, नई शुरुआत आप कर सकते हैं, आपका रिश्ता काफ़ी स्टेबल रहने वाला है, काफ़ी अच्छा रहने वाला है, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में करी जा सकती है, आप काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें पाएंगे, अच्छी सक्सेस इसमें पाएंगे, और इसमें नई बिगनिंग, नई शुरुआत आप इसमें करने के बारे में सोच सकते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स तो अगर आप जो भी काम लेते हैं सोच समझ कर लें, जोश में होश ना खोएं, और अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप फायदे की जगह इसमें नुकसान उठा सकते हैं। समय रहते आप अपना काम कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, डिसीजन लेकर सोच समझ कर ही अच्छे तरीके से जोश में होश रखते हुए अपने काम को कीजिए, इसका अंजाम आपके लिए अच्छा होगा। अगर बिना सोचे समझे जल्दबाजी करते हैं तो फायदे की जगह इसमें आप अपना भी नुकसान उठा सकते हैं और सामने वाले का भी नुकसान उठा सकते हैं, तो गाइडेंस आपके लिए यही है कि सोच समझ कर आगे बढ़िए, इसमें आपको फायदा होने वाला है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। तो अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।